सामने गाइस फर्स्ट इंडियन विलेज माना, पीछे है भीमपुल जो कि सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वसुधरा फॉल जो कि है 5 किलोमीटर। तो गाइस फाइनली बोतल पकड़ हमारे ऊपर पानी। गुड मॉर्निंग एंड सुबह हो चुकी है, सामने पहाड़ पे हल्की हल्की धूप और यहाँ का व्यू देखिए शानदार। अभी कल के मुकाबले में ठंड थोड़ी कम है, अभी ठंड तो नहीं है यहाँ पे। अभी हम जाएंगे लास्ट विलेज माणा की जो चाय की दुकान है चाय पीने के लिए। मिलते हैं आपको आगे ब्लॉग में। हाल यहाँ का नज़ारा देखिए, तो फाइनली गाइस वी आर हेयर इन फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। आप पीछे देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है फर्स्ट इंडियन विलेज माना, और ये हमारे धन्नो जिसने हमारा खूब साथ दिया, बीरा जो ठंड से मर रही है क्योंकि उसका ये पहला इतना लंबा ट्रिप है। और फिलहाल चलते हैं थोड़ा सा और आगे। सामने गाइस लास्ट विलेज माणा का बोर्ड, और सॉरी फर्स्ट विलेज, फर्स्ट इंडियन विलेज माणा। पहले एक्चुअली लास्ट विलेज हुआ करता था, अभी इसी साल से चेंज कर लिया गवर्नमेंट ने इसका नाम, जो कि अच्छा भी किया। भारत का प्रथम गांव माणा। और चल ऑन कर दिया, बहुत ज्यादा पानी है ना। गाड़ी जाने दूंगा तो मैं पानी पाँव को नीचे नहीं रखने पड़ेंगे, पढ़ूंगा। तो हे गाइस, हम पहुंच गए हैं कहाँ पे? सरस्वती नदी के किनारे जहाँ पे भीम ने अपना एक पुल बनाया, भीम पुल पे पहुंच गए। अच्छा, भीम पुल पे पहुंच गए हम, आपको दिखाते हैं। है भीम पुल जो कि सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ है, जो भीम ने बनाया था जब लोग स्वर्ग लोग जा रहे थे तो सरस्वती नदी ने उन्हें रास्ता नहीं दिया, तो भीम ने दो बड़े बड़े पत्थर रखे अपने लिए पुल बनाया जाने के लिए, तो तब से भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। अभी हम आगे जा रहे हैं, चलो आ जाओ। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान की प्रथम दुकान में, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे है। पहले ये लास्ट दुकान हुआ करती थी, फिर गवर्नमेंट ने इसे फर्स्ट दुकान कर दिया, जो कि सबसे अच्छी बात है। स्वर्ग का रोहन मार्ग, तो गाइज ये वही रास्ता है जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग के लिए जा रहे थे और यहीं से स्वर्ग के लिए गए, और यहाँ से हम भी इसी रास्ते से आगे जा रहे हैं। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और थक गई है इतनी जल्दी, अभी हम दो कदम भी नहीं आए। जल्दी आ, नहीं थकी, जल्दी आ। फिर यही फोर्स कर रही है कि मुझे वसुधरा फॉल जाना है,
तो गाइस फिलहाल धूप अच्छी खासी आ गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वसुधरा फॉल, जो कि है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर का अच्छा खासा ट्रैक करना है, फिर हम आगे चलेंगे। 5 किलोमीटर ट्रैक के बाद हमें दिखेगा वसुधरा फॉल। और अभी हम 100 मीटर भी नहीं आए, थकान चालू हो गई है, क्योंकि ये है आपका 10,000 से ज़्यादा ऊपर है, 10,000 फीट, तो ऑक्सीजन की कमी है। हाँ है ना, चलो चलते हैं आगे। और मुंह से सांस ले, नाक तो बंद है, मुंह से सांस ले रहे। बस हम लोग जा रहे थे वसुधरा फॉल की तरफ और हमें कुछ लोग मिले हैं यहाँ पे। तो सर कौन से हैं आप लोग? पंजाब से ये लोग आए इतनी दूर माणा, और अभी ये लोग भी साथ में चल रहे हैं वसुधरा फॉल तक। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको आगे। okay, और स्वर्ग है ये। okay, आगे रास्ता स्वर्ग को जाता है ये। कैसा लगा आपको ये? बहुत मजा है। तो गाइस 5 किलोमीटर का ट्रैक है वसुधरा फॉल के लिए। मेरा तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था, हालांकि मुझे ट्रैक बहुत पसंद है, पर बीरा की वजह से मैं नहीं जा रहा था। पर यही बोल रहे कि मुझे जाना है, मुझे तो जाना ही है, तो मुझे भी जाना पड़ेगा जब ये जा रही है। तो फिलहाल देखते हैं कहां तक हम पहुंचेंगे। और सामने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, उधर पहाड़ पे स्नो गिरा हुआ है अच्छा खासा, और अभी धूप तो अच्छी खासी आ गई है, पर हल्की हल्की हवा चल रही तो ठंड वैसी लग रही है। हमारी ट्रेकर थक गई, मेरे साथ ट्रैक करना मजाक की बात थोड़े, थक गई ना, हो गया, उतर गया ट्रैक का बुखार, जल्दी आ। यानी क्या खाती है? मैं कुछ नहीं खाती, जो तुम खाते हो मैं। ये मुझसे बहुत तेज चल रहे। अभी बहुत ऊपर जाना है गाइस। ओके, सामने देखो मस्त सा फॉल है, ग्लेशियर पिघल के नीचे गिर रहे हैं, चारों तरफ ग्लेशियर ग्लेशियर, वाह ब्यूटी। तो गाइस अभी भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर बाकी है, और यहाँ से फर्स्ट व्यू दिखाता हूँ आपको। कहाँ पे ये सामने इधर कहीं दिख तो फॉल जैसा रहा है, हमें भी कंफर्म नहीं है कि वही फॉल है, फिर भी हम चलेंगे और वहीं जाके पता चलेगा। ओहो, तो गाइस फाइनली, ओह आ जाओ सामने गाइस वसुधरा वाटरफॉल। ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं, कम से कम 2.5-3 घंटे से हम लोग चल रहे हैं। हो हाई एल्टीट्यूड पे आपका 1 किलोमीटर चलना ही बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से ये वैसे भी 12,000 फीट की ऊंचाई पे, उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं है। हो सामने देखो व्यू, फर्स्ट क्लास। बोतल पकड़ लो, गाइस वैसे तो पापियों के ऊपर नहीं गिरता है, हमारे ऊपर तो खूब गिर रहा है। लेफ्ट चल, लेफ्ट, हमारे ऊपर पानी खूब गिर रहा है। चल 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 चल, तो गाइस पीछे देख सकते हैं मेरे वसुधरा फॉल, और फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 2.5 घंटे का ट्रैक था, बहुत थकान हुई, पर यहाँ पहुँच के सारी थकान निकल गई है। वाह, और यहाँ का व्यू देखो, चारों तरफ हिमालय की पर्वतें और बीच में ये फॉल है। ये
नीचे जाना बहुत टफ है, खासकर स्नो में तो बहुत टफ होता है। अगर आपने केदारकंठा वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैं कितनी बार गिरा था। देखो एडी 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 में चलो ना, एडी में नहीं गिरते। तेरे को एक्सपीरियंस है ज़्यादा मेरे को है, मैंने तो तेरे को सिखाया। तो पहली बार तो बर्फ देख रही है। अच्छा मैं गई भी थी सुरकंडा में। चल चल चल। तो हे गाइस, फाइनली हमने पूरा कर दिया अपना क्या चैलेंज, फॉल का ट्रैक। सुबह से चैलेंज था। Put on your helmet. Yay! बैठ गए। हेलमेट। ओ वीडियो ऑन है। देनी सर फिलहाल टाइम 1 बज गया है और फिलहाल हम लोग अब माना गांव से निकल रहे हैं और 1 बज रहा है, तो आज तो हम घर नहीं पहुंच पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आज रात को रुकेंगे। फिलहाल जो हमारा टारगेट था माना विलेज घूमने का, वो सुधराने का, वो पूरा हो चुका है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। तुम बोल लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू।